रिटर्न्स मैनेजमेंट सेफ्टी क्लेम कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ ले मुझसे आप। नेक्स्ट है हमारा बाय बॉक्स। इसका मैंने आपको कल ओवरव्यू दिया था, थोड़ा बताया था मैंने बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स अगर नहीं हो आपके पास तो ऑर्डर्स बहुत सारे आते हैं ऐसे ही। बाय बॉक्स अब रैंकिंग नहीं आते हैं, ठीक है ना। रैंकिंग कैसे है? सॉरी शायद आपका आईडी का मतलब लोग मतलब इंक्रीज के लिए आपको दिखाएगा। हां नहीं, बाय बॉक्स इसलिए होता है अगर बाय बॉक्स आपके पास ना हो ना जीरो हो तो ऑर्डर्स आते ही नहीं है। जितना ज्यादा बाय बॉक्स होगा उतना ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे आपके पास। डिपेंडिंग ऑन आपकी लिस्टिंग कितनी की हुई है, अगर आपने सिर्फ दो लिस्टिंग की हुई है तो दो ही भी ऑर्डर्स आएंगे। डिपेंडिंग के बाय बॉक्स आपके पास आएगा ही तब जब आपके पास लिस्टिंग ज्यादा होगी। जब लिस्टिंग सिर्फ दो होंगी तो बाय बॉक्स नहीं मिलेगा आपको। तो कम अज कम 50 लिस्टिंग करनी है आपको और बाय बॉक्स लेना है। बाय बॉक्स लेने के लिए मी टू भी करना है साथ में। सिर्फ अगर आप लिस्टिंग करते रहेंगे तो बाय बॉक्स नहीं आएगा आपके पास। उस केस में आ जाएगा आप लिस्टिंग में बाय बॉक्स के, जब आप बाय बॉक्स के साथ और दूसरी चीजें जो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको पीटीसी लगाएंगे कूपन लगाएंगे तो उस सूरत में आपके पास बाय बॉक्स आ जाएगा। कस्टमर्स को ऑफर देंगे आप अपनी लिस्टिंग को चलाने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं बाय बॉक्स कैसे लिया जाता है। उससे पहले मैं कुछ चीजें जो है वो हमने लास्ट जो पढ़ी है उसको मैं रिकॉल कराने के लिए आपको उसकी वीडियोज दिखा देता हूँ ताकि जो चीजें हैं वो हमें याद रहे वो लेना। क्योंकि जैसे बताया मैंने आपको जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इस कोर्स आउटलाइन के अंदर ये तमाम चीजें लेवल वन से लेके और आखिर तक सब एक दूसरे से इंटर लेके इसमें से कोई भी चीज आप छोड़ेंगे या भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। क्या कह रहे हैं वीडियो, क्या कौन कह रहे हैं वीडियो दादा, उसका आवाज आई थी। नहीं देखो इट्स ओके। ये हमने अभी लास्ट पढ़ा था कि इजी शिप ऑर्डर्स हम प्रोसेस कैसे करते हैं उसको रिकॉल कराने के लिए आपको दोबारा दिखा रहा हूँ क्योंकि अब आप लोग सब नए हैं और अपनी लिस्टिंग कर रहे हैं तो ऑर्डर्स आएंगे आपके पास। जस्ट वी हैव अ लुक इन दिस वीडियो we will go through the steps how to schedule your Amazon Easy Ship order to be handed over to Amazon Delivery Associate from Seller Central. Go to Orders tab, select Manage Orders from the drop down. Under the Manage Orders, check for Unshipped tab. Check all the headers, order date, order details, image, product name, customer option, order status, action. Check ship by date under customer option by pressing the schedule order button under action before the ship by date. Check orders details, package details, handover method. Under package details, check for the package weight and package dimension. Make sure weight and dimension are under the Easy Ship Package Handling Guidelines after Easy Ship Package Handling Guidelines. बताई थी मैंने याद है कुछ? हाँ सर। इसमें वेट कितना होना चाहिए? 20 सेंटीमीटर। यस। ठीक है। That input order ID as package identifier. Select your returns management safety claim. कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ ले मुझसे आप। नेक्स्ट है हमारा बाय बॉक्स। इसका मैंने आपको कल ओवरव्यू दिया था, थोड़ा बताया था मैंने बाय बॉक्स क्या होता है। बाय बॉक्स अगर नहीं हो आपके पास तो ऑर्डर्स बहुत सारे आते हैं ऐसे ही। बाय बॉक्स अब रैंकिंग नहीं आते हैं, ठीक है ना। रैंकिंग कैसे है? सॉरी शायद आपका आईडी का मतलब लोग मतलब इंक्रीज के लिए आपको दिखाएगा। हाँ नहीं, बाय बॉक्स इसलिए होता है अगर बाय बॉक्स आपके पास ना हो ना जीरो हो तो ऑर्डर्स आते ही नहीं है। जितना ज्यादा बाय बॉक्स होगा उतना ज्यादा ऑर्डर्स आएंगे आपके पास। डिपेंडिंग ऑन आपकी लिस्टिंग कितनी की हुई है, अगर आपने सिर्फ दो लिस्टिंग की हुई है तो दो ही भी ऑर्डर्स आएंगे। डिपेंडिंग के बाय बॉक्स
आपके पास आएगा ही तब जब आपके पास लिस्टिंग ज्यादा होगी, जब लिस्टिंग से दो होंगी तो बाय बॉक्स नहीं मिलेगा आपको। तो कम से कम 50 लिस्टिंग्स करनी है आपको और बाय बॉक्स लेना है। बाय बॉक्स लेने के लिए मी टू भी करना है साथ में। सिर्फ अगर आप लिस्टिंग करते रहेंगे तो बाय बॉक्स नहीं आएगा आपके पास। उस केस में आ जाएगा आपकी लिस्टिंग में बाय बॉक्स के, जब आप बाय बॉक्स के साथ और दूसरी चीजें जो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, पीटीसी लगाएंगे, कूपन लगाएंगे, तो उस सूरत में आपके पास बाय बॉक्स आ जाएगा। कस्टमर्स को ऑफर देंगे आप अपनी लिस्टिंग को चलाने के लिए। अभी हम बात कर रहे हैं बाय बॉक्स कैसे लिया जाता है। उससे पहले मैं कुछ चीजें जो है वो हमने लास्ट जो पढ़ी है उसको मैं रिकॉल कराने के लिए आपको उसकी वीडियोस दिखा देता हूँ, ताकि जो चीजें हैं वो हमें याद रहे वो लेना। क्योंकि जैसे बताया मैंने आपको, जितनी भी चीजें हम पढ़ रहे हैं इस कोर्स आउटलाइन के अंदर, ये तमाम चीजें लेवल वन से लेके और आखिर तक सब एक दूसरे से इंटर लेके, इसमें से कोई भी चीज आप छोड़ेंगे या भूल जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। क्या कह रहे हैं वीडियो, क्या कौन कह रहे हैं वीडियो, ज्यादा उसका आवाज आई थी। नहीं देखो, इट्स ओके। ये हमने अभी लास्ट पढ़ा था कि इजी शिप ऑर्डर्स हम प्रोसेस कैसे करते हैं, उसको रिकॉल कराने के लिए आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। क्योंकि अब आप लोग सब नए हैं और अपनी लिस्टिंग कर रहे हैं तो ऑर्डर्स आएंगे आपके पास। जस्ट वी हैव अ लुक इन दिस वीडियो, we will go through the steps how to schedule your Amazon Easy Ship order to be handed over to Amazon Delivery Associate. From Seller Central, go to Orders tab. Select Manage Orders from the drop-down. Under the Manage Orders, check for Unshipped tab. Check all the headers, order date, order details, image, product name, customer option, order status, action. Check ship by date under customer option by pressing the schedule order button under action before the ship by date. Check orders details, package details, handover method. Under package details, check for the package weight and package dimension. Make sure weight and dimension are under the Easy Ship Package Handling Guidelines after Easy Ship Package Handling Guidelines. बताई थी मैंने, याद है कुछ? हाँ सर। उसमें वेट कितना होना चाहिए? 20 ठीक है। That input order ID as package identifier. Select your handover method. Schedule drop off or schedule pickup. Schedule drop off. Selling partner needs to reach nearest collection center and drop the package. Schedule pickup. Amazon delivery personnel will come to collect the packed shipment at selling partner pickup location. Once selling partner selects schedule pickup, then only he or she can book the slot. Select get slots and pick up slots A 10 a.m. to 2 p.m. or B 2 p.m. to 6 p.m. Print the shipping label and paste it over the packed item. Label to be printed and sticked only after packing the item with packaging material. ठीक है, ये packaging material में आप shipping label रखते हैं। इसमें जो barcode है ये नजर आना चाहिए। अगर ये barcode छुप जाएगा इसके अंदर तो फिर scan नहीं होगा। तो be careful while packing. ये barcode इसके अंदर proper रखें। आप envelope जो बना होता है इसके अंदर नजर आना चाहिए barcode. Selling partner can again go back to check pending orders by clicking this. How to raise concern if pickup is delayed? Go to Seller Central. ये क्या बताया इसमें भी? हमें क्या करना है अगर पिकअप डिले हो रहा है? डिले से मुराद क्या है कि कभी ऐसा होता है नहीं आती पिकअप की गाड़ी Amazon EasyShip, या वेट करते रहते हैं आती नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसको, तो उस सूरत में क्या करना है देखिए। To the home page, click on Help. Click on Contact Us. Select and click on Customers and Orders. Click on the option of
Amazon Easy Ship Order. ठीक है, Amazon Easy Ship Order, क्योंकि हमारा यही है सब्जेक्ट कि Easy Ship का ऑर्डर कलेक्ट नहीं हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Type your contact reason as Amazon Easy Ship Schedule Pickup Delay. Type your description. Enter your registered email ID and click on send. After this, your pickup will be arranged at the earliest possible slot and someone from Amazon will connect if the issue is pending. ये आपको फॉरवर्ड करना होता है. अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे टाइमिंग से 3:30 to 4, 3:30 से आगे यहाँ के टाइमिंग से यहाँ पे अमेज़न इजी पिक वाला आता है, पहले तो आप उससे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करें जो अमेज़न इजी पिक वाला आता है पिकअप वाला, कि जी आप आए मैं वेट कर रहा हूँ. अगर वो रिप्लाई नहीं करता है या इनकेस कोई ऐसी चीज़ बोलता है कि उसको प्रॉब्लम में नहीं आ सकता आज, फॉरन यहाँ पे जाके आप ऑर्डर आई डी लिखें, जितने भी ऑर्डर आएंगे अगर आपके पास 10 ऑर्डर आएंगे 10 की ऑर्डर आई डी लिखें यहाँ पे, और लिखें यहाँ पे नो वन अराइव्ड फॉर कलेक्टिंग द ऑर्डर. डेट लिखे, शेड्यूल किस दिन किया आपने, और लिखे यहाँ पे प्लीज सेंड डिलीवरी एसोसिएट फॉर कलेक्शन अर्जेंट, ताकि आपने जब ये चीज कर दी तो अमेज़न के स्टैंडर्ड को आपने फॉलो कर लिया. उन्होंने ये बोला है कि हमें बताएं, जब बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा. आपने यहाँ बता दिया कि भाई गाड़ी वाला नहीं आया मेरे पास, अब इससे क्या होगा कि कस्टमर को अमेज़न खुद बताएगा जी हमारी गलती है जिसकी वजह से आपका ऑर्डर डिले हो रहा है. कस्टमर से आपका नेगेटिव फीडबैक भी नहीं आएगा, आपके अकाउंट की हेल्थ भी खराब नहीं होगी. ठीक है, ऑर्डर लेट होने की वजह से अकाउंट की हेल्थ खराब होती है, लेट डिस्पैच रेट होता है आपका और ऑर्डर्स नहीं आते. लेकिन अगर आप ये करेंगे चीज, ये बहुत कम होता है, रेयर केसेस में होता है, लेकिन यू शुड नो कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या करना है आपको, अगर इजी चिप की गाड़ी ना आए. ठीक है, दिस समराइज द बेसिक स्टेप्स ऑफ शेड्यूलिंग योर इजी शिप ऑर्डर एंड रेजिंग. ठीक है, ये इजी शिप ऑर्डर हो गया. इसके बाद एक चीज और थी जो थी सेल्फ शिप ऑर्डर्स. जस्ट फॉर यू इन्फो आई एम टेलिंग यू कि कैसे होता है ये, आपकी नॉलेज के लिए. वैसे हमने बोला है कि इजी शिप कोई आप फॉलो करें. वेलकम टू द मॉड्यूल ऑन हाउ टू प्रोसेस सेल्फ शिप ऑर्डर्स. लॉग इन टू सेलर सेंट्रल, गो टू ऑर्डर्स टैब एंड क्लिक ऑन मैनेज ऑर्डर्स. क्लिक ऑन द ऑप्शन अनशिप्ड ऑर्डर्स. A self-ship order will have the tab self-ship. जो इसी ship order होता है उसमें schedule pickup आता है, schedule pickup इस तरह लिखा हुआ. जो self-ship order होता है उसमें लिखा होता है confirm shipment. ठीक है. Firm shipment, which would help you to distinguish it from easy ship orders, where the button shows easy ship schedule pickup. Once the packaging is done, you may choose any courier service to ship the product. Click on Self-Ship Confirm Shipment button once the order is shipped to the customer. Enter the shipment date. Confirm shipment कब करनी है आपको? जब आप order dispatch कर देते हैं उसके बाद. ठीक है, इसमें self-ship में ही होता है. Shipping carrier and the tracking ID. अब आपको यहाँ पे खुद से शिपिंग करियर जो भी आपने लिया है उसकी यहाँ पे लिखनी होगी ट्रैकिंग आईडी. जब आप शिप करेंगे उसको देंगे थर्ड पार्टी को तो आपको ट्रैकिंग आईडी देगा. वो ट्रैकिंग आईडी आपको यहाँ पे टाइप करनी होगी, किस लिए? अमेज़न के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, ताकि वो ट्रैक कर सके. अब वो ये चीज़ ना करें, इजी शिप पे रखें, ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी आपको. लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन कि आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ शिप ऑर्डर्स कैसे किए जाते हैं, ये आपको दिखा दूँगा. Click on Confirm Shipment. Once you have confirmed the shipment, Amazon will take the following actions. Credit your seller account for the order. Send shipping confirmation to the customer. And update the buyer's account with the shipping details. The buyer can then see the status of the shipment online. Thank you. ठीक है, इस तरह से बायर जो है वो अपने ऑनलाइन चेक कर सकता है शिपमेंट की कहाँ पहुंची है. लेकिन अमेज़न इजी शिप में क्या होता है, ऑटोमेटिकली सारे काम खुद हो जाते हैं, हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस पैक करके हम बैठते हैं, वेट करते हैं, गाड़ी आती है, लेके जाती है, जैसे ही स्कैन करती है ऑटोमेटिक ट्रैकिंग आईडी भी आ जाती है, कस्टमर को भी पहुंच जाता है कि जी आपका ऑर्डर निकल गया, बस दैट्स इट. बाय बॉक्स आगे बढ़ते हैं. बाय बॉक्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास लिस्टिंग में जो
जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है उसको भी आपने रखा हो, नीट किए हो, ताकि बाय बॉक्स आपके पास आए। नए अकाउंट्स में बाय बॉक्स नीचे आपको यहाँ नजर आता है, जैसे कि यहाँ पे 40% मेरे पास दिखा रहा है बाय बॉक्स, और एरो का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि मेरी परफॉर्मेंस कल परसों के मुकाबले में अच्छी है, मैंने अपने स्टोर पे काम किया है, जिसकी वजह से ग्राफ ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। कल तक ये 30 पे था या 35 पे था, तो मैंने इस पर वर्किंग की, तो अब ये ऊपर जा रहा है। ये किस तरह होता है, ये आप लिस्टिंग चेक करें, आप मैनेज इन्वेंट्री पे जाएं, जैसे कि इस अकाउंट के ऊपर 625 प्रोडक्ट लिस्ट हुई नहीं है। अब इन 625 में से आपकी जितनी ज्यादा लिस्टिंग टॉप पे होंगी उतना ज्यादा बाय बॉक्स होगा आपके पास, ठीक है। और अगेन जो न्यू अकाउंट्स होते हैं, नए अकाउंट में जब आप अपनी न्यू लिस्टिंग करते हैं, तो न्यू लिस्टिंग में तो आपके पास बाय बॉक्स नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें ना तो रेटिंग है आपके अकाउंट की, सब चीजें बाय बॉक्स के लिए इन्वॉल्व होती है, रेटिंग, आपकी अकाउंट की हेल्थ, ठीक है, आपका लेट डिस्पैच रेट, टाइमली ऑर्डर जा रहे हो आपके, कोई नेगेटिव फीडबैक ना हो, सब चीजें मिलके अगर आपके पास सब सही है, तब न्यू लिस्टिंग पे आपके पास बाय बॉक्स आना शुरू होता है। लेकिन जब आप नया अकाउंट खोलते हैं, अमेजोन भी आपसे ये बोलता है कि एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को कम्पीट करें, ताकि आपके अकाउंट की विजिबिलिटी बढ़े। जो एग्जिस्टिंग लिस्टिंग है, जिसको मीटू बोलते हैं, उस पर जाके आप उनसे कम्पीट करें प्राइस के ऊपर। जब आप कम्पीट करेंगे तो क्या होगा, आप सबसे टॉप पे होंगे, आपको बाय बॉक्स मिलेगा। जब बाय बॉक्स मिलेगा तो आपके जो अपनी लिस्टिंग होगी, न्यू लिस्टिंग की होगी, वो भी ऑटोमेटिकली प्रमोट होगी, ठीक है, क्योंकि आपके अकाउंट की विजिबिलिटी, जो आपकी शॉप है, वो बढ़ेगी। विजिबिलिटी समझते हैं ना, दिखना शुरू होगा। जब नया अकाउंट खुलता है तो वो बिल्कुल नीचे होता है, 1,00,000 अकाउंट खुले हुए हैं, आपने अभी खोला है, आप सबसे नीचे हैं, अब आपको ऊपर आना है। कैसे आएंगे आप, परफॉर्म करके, आप 100 लिस्टिंग कर लें, बैठे रहेंगे आप वहीं पे। जब तक आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को फॉलो नहीं करेंगे, उसमें कम्पीट नहीं करेंगे, ठीक है, अपने अकाउंट की हेल्थ सही नहीं रखेंगे, तब तक आप ऊपर नहीं आ सकते। और टाइम पे ऑर्डर डिस्पैच करने हैं आप, लेट करेंगे तब भी आपका सर्वर से कुछ प्रॉब्लम है, और जब इनके पास कोई अपग्रेड चल रही होती है, अपडेट चल रहा होता है सर्वर के बाद, तब उसके आती है प्रॉब्लम, सबके पास आ रही है प्रॉब्लम, सिर्फ आपके पास ही, सबके पास आ रही है। और ये मुझे लग रहा है कि जैसे आप जब न्यू लिस्टिंग करने जाते हैं, तो ये बोलते हैं, देखिए आप एड प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे ये कोई नई चीज भी यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है, सर्च मल्टीपल प्रोडक्ट्स, तो इस तरह से न्यू चीज, नई चीजें जो आती है, इसमें न्यू लिखा हुआ आ जाता है। जैसे कि आपने यहाँ भी देखा होगा, ये चीजें भी नई अभी ऐड हुई, पहले नहीं थी। ग्रोथ, प्रोडक्ट सजेशंस, ठीक है, तो इस तरह से जब नई चीजें आ रही होती हैं, तो फिर उस वक्त इस तरह के एरर्स आने शुरू होते हैं, जब कुछ तब्दीली कर रहे होते हैं लोग कुछ सिस्टम में, तो सब एरर्स आते हैं। और इसके सबसे आसान तरीका ये है, आप हेल्प पे जाएं, ठीक है, इस पर क्लिक करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चीज जल्दी रिजॉल्व हो जाए, आपका सबसे पहले इशू रिजॉल्व हो जाए, यहाँ जाएं, यहाँ जाने के बाद नीड मोर हेल्प पे क्लिक करें, नीचे देखिए कॉन्टेक्ट अस दिया हुआ है, और सेलिंग ऑन अमेजोन पे क्लिक करें, योर अकाउंट पे क्लिक करें, अदर अकाउंट इशू पे क्लिक करें, एंड देन यहां पे लिखें कि आई वॉन्ट बी एबल टू बी टू और डू द एग्जिस्टिंग लिस्टिंग, लाइक एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के ऊपर मैं कंपीट नहीं कर पा रहा हूं, आई वॉन्ट बी एबल टू कंपीट, आई वॉन्ट बी एबल टू लिस्ट द प्रोडक्ट विच आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन द अमेजोन। एरर नंबर लिखा हुआ होगा आपके पास, जब आपने देखा होगा जब बॉक्स बना हुआ था, उसमें एरर नंबर लिखा होता है, वो एरर नंबर यहाँ पे मेंशन कर दें कि ये एरर नंबर मेरे पास आ रहा है। उसके बाद ये फोन पे क्लिक करें, अपना फोन नंबर डालें जो आपका फोन नंबर है जिसपे आप रजिस्टर्ड हैं, और कॉल भी नाउ पे क्लिक करें, फॉरन कॉल आ जाएगी आपके पास, उनको बताएं कि जी मैंने ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसका क्या करेंगे, एक ईमेल बना के अपनी बैकएंड टीम को, जो आईटी की टीम होती है, उसको फॉरवर्ड कर देंगे, आपका इशू जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा, टॉप प्रायोरिटी पर आ जाएगा।
ठीक है, तो जिनके साथ फील्ड बॉक्स के साथ एरो हेड शो नहीं हो रहा, सॉरी एरो हेड शो नहीं हो रहा फील्ड बॉक्स के साथ, बाय बॉक्स के साथ, बाय बॉक्स, हां बाय बॉक्स के साथ एरो हेड 7 डेज, 7 दिन तक आपको अपने जो होती है जब आप मीटू में एग्जिस्टिंग लिस्टिंग के ऊपर जब कम्पीट कर रहे हो प्राइस को, 7 डेज तक आपको वो प्राइस मेंटेन करनी पड़ती है, 7 दिन तक आपको लड़ना पड़ता है जो जो अच्छी लिस्टिंग में आप कम्पीट कर सकते हैं, ऐसा नहीं सारी लिस्टिंग आप कम्पीट कर सकते, कुछ चीजें कुछ लिस्टिंग ऐसी होती है जहाँ पे यू कैन नॉट कम्पीट, आपके पास उतने प्राइस पे आपको कोई चीज नहीं मिल रही होती, आपकी सोर्सिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो वो तो वहां पे ना करें, वहां लॉस है, जिस पे आप कर सकते हैं वहां पे 7 डेज तक अपना आप कम्पीट करते रहे, टॉप पे रहेंगे तो ये आपका बाय बॉक्स तीर के निशानों पर जाना शुरू है, और अभी आगे आगे जाके आपको दिखाऊंगा बताऊंगा मैं, ये होती है अकाउंट हेल्थ, ये भी अगर खराब होती है तो इसकी वजह से भी आपको बाय बॉक्स नहीं मिलता है, आपके पास दो लोगों ने अगर नेगेटिव फीडबैक दे दिया है और आपका लेट डिस्पैच रेट जैसे कि यहाँ पे देखिए 4% होना चाहिए क्रॉस कर गया है, तो ये सब बताऊंगा मैं आपको, इससे भी इफेक्ट पड़ता है बाय बॉक्स के ऊपर, लेकिन जो मेन चीजें वो बता दी मैंने आपको कि सबसे पहली चीज जो होती है जिसको आपको अमल करना है जिससे बाय बॉक्स जल्दी से मिलता है आपको, कम्पीट करें आप जो कि एग्जिस्टिंग लिस्टिंग पे आप बैठे हैं, भले शुरू में आप नेट नेट भेज दें 10 की लाएं 10 की भेज दें या 50% का लॉस भी कर लें कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपको बाय बॉक्स मिल जाएगा, उससे क्या होगा जो न्यू लिस्टिंग है आपकी वो प्रमोट होना शुरू हो जाएगी, आपके अकाउंट की विजिबिलिटी, पहले आप अगर 100 अकाउंट में 100वें नंबर पे थे, 100 से आप 90 पे आ जाएंगे, पर 90 पे आने के बाद अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपकी नई लिस्टिंग है उसमें कितनी अच्छी आपने लिस्टिंग की हुई है, उसकी कितनी अच्छी प्राइस है, उस पर अगर 8-10 ऑर्डर डेली आना शुरू हो गया तो 90 से आप 70 पे आ जाएंगे, 70 से 50 पे चले जाएंगे, ठीक है, तो ये आपको वर्किंग करनी है, ये आपको स्ट्रेटेजी अपनी डिजाइन करनी है खुद से, तो दिस इज कॉल्ड द बाय बॉक्स, इसकी मजीद चीजें हैं जो कि आगे जाके बताऊंगा मैं, वो भी इस पे इम्पैक्ट करती हैं बाय बॉक्स के ऊपर, नेक्स्ट है इसके बाद बाय बॉक्स के बाद बहुत ही आसान टॉपिक है हमारा, सबसे आसान तरीन टॉपिक है जिसको मैं बोलता हूँ, इसीलिए मैंने 11.2 में रखा हुआ है, इस कॉल्ड पीपीसी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, पीपीसी से क्या बनता है पे पर क्लिक, और इसको अमेजोन की जबान में एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं, आपने देखा होगा जब कभी आप amazon.ae पे जाते हैं, amazon.ae पे जब आप जाते हैं और आप टाइप करते हैं कोई भी चीज, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने माउस टाइप किया तो आपको कुछ चीजें स्पॉन्सर्ड लिखी हुई दिखती होती है, जैसे कि यहाँ देखें आप स्पॉन्सर्ड, तो इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इन सब ने एडवर्टाइज किया हुआ है अमेजोन अपनी चीजों को ताकि उनकी सबसे पहले आए लिस्टिंग, जब भी कोई चीज टाइप करे कोई सर्च करे तो सबसे टॉप पे उसका आए, ठीक है, तो अब माउस लाखों लगे हुए होंगे इसके ऊपर, अब उन लाखों में या हजारों में आप कैसे टॉप पे आएंगे, पीपीसी चला के एडवर्टाइज करके, अब जैसे कि टीवी में जब आप कोई चीज देख रहे होते हैं तो बीच में एकदम से ऐड आ जाता है, तो यही है, एक तो ये इस तरह से स्पॉन्सर्ड होता है, प्लस आप लिस्टिंग जब देख रहे होते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिस्टिंग है आपने इसको खोला तो उसके बीच में भी कोई ना कोई ऐड चल रहा होता है, आपने देखा होगा साइड में कहीं ना कहीं ऐड आ रहा होता है, ठीक है, जैसे ये सब चीजें जो आ रही है सजेस्टेड, ये सब ये देखिए आप नीचे दो ऐड चल रहे हैं, ठीक है, इन्होंने भी क्या किया हुआ है अपनी एडवर्टाइजमेंट की हुई है, तो एड्स के अंदर भी ऐड चल रहे होते हैं, तो इस तरह से ये एडवर्टाइजमेंट होती है, जब आप भी अपना ऐड लगाएंगे तो आपका भी इस तरह से ऐड स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आएगा, जब आप पीपीसी रन करेंगे एडवर्टाइजमेंट करेंगे, सो हाउ टू डू दैट आई टेल यू, सबसे पहला काम क्या करना होता है आपको एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, डैशबोर्ड पे आप जाइए अमेज़न के और मेन्यू पे क्लिक करें, एंड देन आपको यहाँ दिखेगा एडवर्टाइजिंग, ठीक है, एडवर्टाइजिंग के बाद आप क्लिक करें कैंपेन मैनेजर पर, सबसे पहला जो है फर्स्ट ये है कैंपेन मैनेजर, हमें कैंपेन लगानी है, कैंपेन समझते हैं आप, एक चीज को हमें प्रमोट करने के लिए अमेज़न से हेल्प लेके उसको स्पॉन्सर करना है कि उसका एड चलना शुरू हो जाए, कैंपेन कुछ अरसे के लिए होती है, इस तारीख से लेके इस तारीख तक, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक हफ्ते के लिए हम चलाना चाह रहे हैं फ्रॉम 1st to 7th, तो इस पे हम क्लिक करते हैं कैंपेन मैनेजर पे, जैसे ही हमने क्लिक किया नाउ यू कैन सी यहाँ पे आपको
न्यू कैंपेन लगाने के लिए नीचे एक बटन दिखेगा क्रिएट अ कैंपेन, ये देखिए, ठीक है, इस पर आप क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको ये तीन कैंपेन टाइप दिखाएगा। कैंपेन तीन तरह की होती है, ये वाली हम नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग जो है वो ब्रांड नहीं है, हम लोग जनरली काम कर रहे हैं, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है एनरोल योर ब्रांड, एनरोल योर ब्रांड, इस पे हम कर सकते हैं कंटिन्यू। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, तो ये सारे जो है ब्रांड्स में आती चीज हमें करना है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट को अपनी। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं कंटिन्यू एंड देन आफ्टर दिस अब आपसे ये बोलेगा कि आप क्या स्ट्रेटेजी बनाना चाह रहे हैं, किस तरह से चाह रहे हैं कि आपका एड चले, उसमें क्या क्या चीजें हों और किस चीज पे आप एडवर्टाइजमेंट करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपको दिखा रहा है ये एड ग्रुप नेम, यहाँ पे ऑटोमेटिकली जिस तारीख को आप एड लगा रहे होते हैं वो डेट लिखी हुई आती है और जिस टाइम पे आप लगा रहे होते हैं वो लिखा हुआ है। आप चाहे तो उसको ऐसे ही छोड़ दें या आप चाहें तो उसको कोई नाम दे दें, अगर आप नाम देना चाहते हैं तो यू कैन राइट द नेम आल्सो जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब नीचे देखिए आपको ये जो आपके स्टोर में चीजें हैं वो सब आप दिखा रहे हैं, ये पूरा स्टोर यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि इस पे एड लगा दू, इसको मैं क्या करूंगा, इस प्रोडक्ट को ऐड करूंगा यहां से, इस पे लगाते हैं, ये ग्लासेस है, ये मैंने ऐड कर दिया, जैसे ही मैंने यहां से ऐड किया यहां पे आ गया, यहां एडिट लिखा हुआ आ गया। अब मैं इस पे कैंपेन लगाना चाह रहा हूं, नीचे आएंगे इस पे आप देखिए टारगेटिंग आपसे बोल रहा है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। टारगेटिंग क्या होती है एक्चुअली, कीवर्ड्स, जब भी कोई, जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी ये amazon.ae पे गया, मुझे चाहिए था माउस, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैं कस्टमर हूँ आया, मैं पे माउस टाइप किया मैंने, ठीक है, ये क्या चीज हो गई, इसको बोलते हैं हम कीवर्ड। अब अगर मुझे चाहिए होता गेमिंग माउस, एक कस्टमर आता है उसको सिर्फ माउस चाहिए होता है, एक आता है उसको पता है जी मुझे गेमिंग चाहिए, तो वहां के लिखेगा गेमिंग माउस, ठीक है, गेमिंग माउस आ गया। अब कोई आया उसने बोला जी मुझे गेमिंग माउस चाहिए रिचार्ज ब्लूटूथ, ठीक है, तो ये ब्लूटूथ दिखा देगा आपको। तो ये सब क्या हो रहे हैं, ये सब क्या बन रहे हैं, ये सब कीवर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, ये वो कीवर्ड्स हैं जो कस्टमर टाइप करता है। अब आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, लेकिन इस चीज को निकालना बहुत मुश्किल है कि हमें क्या पता है कि अमेज़न पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं। अगर 100 लोग आ रहे हैं माउस लेने के लिए, 100 में से कितने लोग गेमिंग लिख रहे हैं, कितने लोग सिर्फ माउस लिख रहे हैं और कितने लोग लिख रहे हैं ब्लूटूथ माउस, ये तो नहीं पता हमें। उसके लिए हम क्या करते हैं, एज अ न्यू स्टार्टअप हम अमेज़न की कैंपेन जो है वो स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग से। यहाँ पे अमेज़न आपकी हेल्प कर रहा है, अमेज़न ने अपना डेटाबेस बनाया हुआ है और इस डेटाबेस का काम ये है कि उसमें जो AI सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उन कीवर्ड्स को लेके आ रहा है हर प्रोडक्ट के हिसाब से जो कि टॉप है, तमाम प्रोडक्ट्स की जितनी भी लगी हुई है, हजारों लाखों प्रोडक्ट्स की, वो हमारी हेल्प करता है। यहाँ लिखा हुआ भी देखिए, यहाँ पढ़े, अमेज़न विल टारगेट कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर टू द प्रोडक्ट इन योर एड, वो आपकी हेल्प कर रहा है, जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसी के हिसाब से आपको वो कीवर्ड्स पे लेके जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ नीचे दिया हुआ है मैनुअल टारगेटिंग, अगर आप एडवांस्ड हैं सेलर, आपको पता है जी सबसे ट्रेंडिंग कीवर्ड्स कौन से हैं, प्रोफेशनल है अगर आप जानते हैं, आपको पहले से काम आता है करना, तो आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे। 90% लोग जो कि हम जैसे हैं नहीं आता, वो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक पे की रहने दें इसको और अमेज़न से हेल्प लें, ठीक है, कीवर्ड टारगेटिंग। नीचे है इसकी बिड लगानी है हमें, बिड क्या होती है, हर कीवर्ड का एक प्राइस होता है, जब भी कोई क्लिक करता है आके पे पर क्लिक है PPC, ये दिखाया था मैंने आपको, देखे PPC, PPC stands for pay per click, जब किसी कीवर्ड को टाइप करने के बाद कोई कस्टमर आके किसी और के एड पे क्लिक करेगा तो हमारे पैसे कट जाएंगे, ठीक है, जब कोई कीवर्ड टाइप करके किसी और के एड पे क्लिक करेगा तो हमारे पैसे कटेंगे, सही है, सब सो रहे हैं, नहीं ना, ऐसा नहीं है, हमारे एड पे क्लिक करेगा, ठीक है, PPC पे पर क्लिक, जब क्लिक करेगा हमारे एड पे तब पैसे कटेंगे, ठीक है।
पे पर क्लिक, क्लिक पे देखने पे नहीं है, एडवर्टाइज देखा उसने क्लिक नहीं किया तो पैसे नहीं कटे हमारे। तो इसकी होती है बिड, हर कीवर्ड के डिफरेंट डिफरेंट पैसे होते हैं, मुख्तलिफ पैसे होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ मैं पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो आप देखिए वो कीवर्ड्स के तमाम पैसे यहाँ लिखे आ जाएंगे। ग्लासेस थे उन सबके देखे यहाँ पे डिफरेंट टीम से लिखी आ रही है, ये सजेस्टेड बिड आ रही है यहाँ पे। अगर कोई ब्रॉड पे क्लिक करता है तो 3 दिरहम कटेंगे, एग्जैक्ट पे क्लिक करता है 3.9 वो कटेंगे। ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा अभी जाके, जस्ट फॉर योर रेफरेंस आपको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूँ कि कीवर्ड्स के मुख्तलिफ पैसे होते हैं और यही कहलाती है बिड। तो जितनी ज्यादा बिड रखेंगे उतनी ज्यादा आपके पास क्लिक आएंगे, ठीक है। तो बिड आपको देनी है, अब आप कितने कीवर्ड्स लगा रहे हैं उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कितनी बिड देनी है। अगर आप 4, 5, 6, 8, 10 कीवर्ड लगा रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अपना प्राइसिंग देख लें कि एक कीवर्ड कितने प्राइस का है, क्या कीमत का है। तो यहाँ पे चूंकि हमें पता ही नहीं है कि कितने का है कीवर्ड, हम क्या यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो डिफॉल्ट बिड दी हुई है वो 4 दिरहम दी हुई है, हम इसको सिर्फ 1 दिरहम बढ़ा के 5 दिरहम पे कर देते हैं, या अगर आप चाहें तो 10 कर दें इसको, ठीक है, 5 to 10 ये रखें बिट का मार्जिन, इससे ज्यादा ना करें। बिकॉज एज अ न्यू स्टार्टअप डिपेंडिंग अगेन कि कितनी प्रोडक्ट पे आप कैंपेन लगा रहे हैं, जैसा कि मैंने यहां पे सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐड किया, अगर आपके पास सिमिलर एसक्यूज हैं, 8-10 लिस्टिंग की हुई है आपने इसी ग्लासेस की या वेरिएशन में आपके पास है, तो आप क्या करेंगे उनकी तमाम वेरिएशन ऐड कर देंगे ताकि एक ही एड में, एक ही कैंपेन में तमाम चीजें आपकी रन हो। समझ में आ रहा है या नींद आ रही है? इट्स वेरी ड्राई आई नो, और इसलिए मैंने कहा सबसे आसान है ये पीपीसी, इसलिए सबसे आखिर में रखा हुआ है, उल्टा बोल रहा हूँ, सबसे आखिर में इसलिए रखा हुआ है, सबसे थोड़ा मुश्किल है, ये इट्स अ डिफिकल्ट टॉपिक और ड्राई कर देता है, लेकिन यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही है, मैं एक पे लगा रहा हूं तो मैं बिड रखूंगा 5 दिरहम, मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास यहाँ पे वेरिएशंस होती, इसमें ब्लैक कलर का भी होता, ब्लू भी होता, सिल्वर भी होता, गोल्ड भी होता, 4 वेरिएशंस होती, तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि सब पे क्लिक्स आए, मैं अपनी बिड बढ़ाऊंगा। बिड समझ गए ना, बिड समझ आया आप लोगों के, कीवर्ड्स के प्राइस है, वो कीवर्ड्स के जो मिनिमम कीवर्ड है वो है 1.5 दिरहम का, 1.5 का, ठीक है, और मैक्सिमम जाता है 20 तक। सो डिपेंडिंग ऑन कि आप प्रोडक्ट कैसे लगा रहे हैं, चूंकि हम ऑटोमेटिक लेके चल रहे हैं, स्टार्टअप है, नहीं फर्स्ट टाइम कर रहे हैं हम, तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग में रखा हुआ है हमने, इसलिए जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप एक प्रोडक्ट लगा रहे हैं तो 5 दिरहम रखें, 2, 3, 4 हैं तो 10 दिरहम रखें अपनी बिल्ड, ठीक है, मेमोराइज दैट। उसके बाद मैंने एक पे लगा दी 5 दिरहम, नाउ दिस वन वी हैव टू स्किप, आई विल टेल यू लेटर, इसका भी ताल्लुक नहीं है हमसे, नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग क्या होती है। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम, अब जो बिडिंग है उसकी हमें स्ट्रेटेजी बनानी है, ठीक है, स्ट्रेटेजी क्यों बनानी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक हमारे एड के ऊपर आए, जब हम एड रन करें तो ज्यादा लोग हमारे पास आए, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी हमें। 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती है बिडिंग की, एक होती है डाउन ओनली डायनेमिक बिड्स, एक होती है अप एंड डाउन, और एक होती है फिक्स्ड बिड्स। थोड़ा और मुश्किल है, थोड़ा गौर से सुनेगा समझेगा इसको कि क्या है। डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली में क्या है, नीचे लिखा हुआ है, वी विल लोअर योर बिड्स इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट टू अ सेल। क्या मतलब हुआ कि हम आपकी ऑटोमेटिकली खुद जो एआई सिस्टम है इसका अमेज़न का, वो आपकी हेल्प कर रहा है हर जगह, यहाँ पे भी हेल्प कर रहा है आपकी, कि आपने फॉर एग्जांपल ये कैंपेन लगाई है 10 दिरहम की, ठीक है, पहला क्लिक होता है 4 दिरहम की कीवर्ड के ऊपर, एक कस्टमर आया उसने 4 दिरहम वाले के ऊपर क्लिक कर दिया और आपकी चीज नहीं ली, उसको पसंद नहीं आया चला गया, अब आपके पास कितने बचे 10 में से 6 दिरहम। अगर आपने इसका इस्तेमाल किया हुआ है डाउन ओनली का, तो बाकी 6 दिरहम जो है वो एआई सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके सेव करेगा और अब 4 दिरहम वाले को नहीं आने देगा,
ठीक है, उसके बाद उससे नीचे वालों को लेके आएगा, वो कोशिश करेगा ज्यादा लोग आपके एड के ऊपर आए और आपकी कोई सेल हो जाए, आपकी हेल्प कर रहा है। इस केस में क्या है, सबसे आखिरी वाले में फिक्स्ड बिड में आपने फिक्स डीवीएजी 10 दिरहम आपने रखा हुआ है और फिक्स बिड ली हुई है, तो क्या होगा, वी विल यूज योर एग्जैक्ट बिड एंड एनी मैनुअल एडजस्टमेंट यू सेट एंड वोंट चेंज योर बिड बेस्ड ऑन लाइक्लीहुड ऑफ अ सेल। हम अपनी मर्जी से चेंज नहीं करेंगे, आपने एग्जैक्ट दे दिया है, पहला क्लिक अगर 10 पे आ गया तो खत्म आपके पैसे, एक ही क्लिक में 10 दिरहम खत्म हो गए आपके, ठीक है। अप एंड डाउन में क्या फायदा है आपको, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एआई सिस्टम और ज्यादा हेल्प कर रहा है आपकी, किस तरह से, वो देख रहा है कि जी 5 क्लिक आए, 5 में से 3 ने परचेजिंग किए, 2 ने नहीं किए, जिन 3 ने परचेजिंग की उसी कीवर्ड वाले को और लेके आएगा, उन 2 को लेके नहीं आएगा जिन्होंने क्लिक करके आपसे कुछ लिया नहीं था। सो अप एंड डाउन ये है, अब नाउ इट्स अप टू यू, आप डाउन ओनली से स्टार्ट करें या अप एंड डाउन से स्टार्ट करें। माय रिकमेंडेशन स्टार्ट विद डाउन ओनली, ताकि अगर आपके पास 2-4 प्रोडक्ट्स हैं उस पर आपने कैंपेन लगाई है और 10 दिरहम का आपने बजट रखा है तो कम अज कम 8-10 लोग देखें उस एड को, क्लिक करें और हो सकता है एक सेल मिल जाए आपको। सही, ठीक है, तो हम अभी इसी पर रहने देते हैं, आई होप समझ में आया होगा। डाउन ओनली इसकी मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको जी। अब सिर्फ 2 वाले कीवर्ड्स पे आएंगे आपके पास, अब उसमें 3 वाला भी, 4 वाला भी, 6 वाला भी है कीवर्ड, उस पे आएगा नहीं क्लिक आपको, हो सकता है उस वाले पे सेल मिलती हो आपको 3-4 वाले पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 रखें। नहीं नहीं, बिट 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 क्या है, वो कीवर्ड के प्राइस है, अगर आपने 2 रख दिया ना बिट का प्राइस, तो वो सिर्फ 2 वाली कीवर्ड पे लेके जाएगा, क्योंकि आपने बिट रख दी 2 दिरहम की, अब 5 वाले कीवर्ड को लेगा ही नहीं वो। टोटल बजट 10 है, नहीं बजट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बिट की बात कर रहा हूँ, आप भी बिट की बात कर रहे हैं, हाँ जी। जब हम सिस्टम पे छोड़ रहे हैं तो पहले 5-5 दिरहम वाली बिट लेके आएगा, उसमें हमारे लिए सेव होंगे, उसमें भी 2 दिरहम 1 दिरहम वाले को लेके आप रख दें 2 दिरहम, कोई मसला नहीं है, आप 2 दिरहम रख दें, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो समझे कि जो कीवर्ड्स महंगे वाले होते हैं ना उस पर ज्यादा क्लिक्स आते हैं, उस पर ज्यादा कन्वर्जन होती है, जो महंगे कीवर्ड्स होते हैं वो महंगे होते हैं इसीलिए क्योंकि उस पर ज्यादा सेल होती है। इसमें सिर्फ हम अपना कंट्रोल बता रहे हैं कि हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम सिस्टम पे तो छोड़ ही रहे हैं ना ऐप में, हाँ अपना कंट्रोल कहाँ कर सकते हैं वो हमें बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए यहाँ पे आपको कोई कैद नहीं है, ये जो आपके पास डिफॉल्ट बिड है ये आपकी मर्जी है, ये तो मैं रिकमेंडेड इसलिए बार बार मेंशन कर रहा हूँ, माय रिकमेंडेशन इट्स अप टू यू गाइस व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है, मैं अपनी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, आपकी मर्जी आप दो रखें, ठीक है। सो अब हम मजीद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, ये चीज आपके समझ में आ गई, बिडिंग स्ट्रेटजी, इन दोनों में से आप कोई एक चूज कर लें, ये ना करें, इट्स नॉट रिकमेंडेड, हाईली नॉट रिकमेंडेड, ये उन लोगों के लिए जिनके पास पीएल्स हैं, ऑब्वियसली जब दिया हुआ तो कोई वजह होगी, ऐसे तो दिया हुआ है अमेज़न पे, ये उनके लिए दिया हुआ है जिन्होंने प्राइवेट लेबल किया हुआ है, एफबीए कराया हुआ है, उनके 1,000 या 2,000 यूनिट्स पड़े हुए होते हैं, वो फिक्स बिट लगाते हैं, उनका सिर्फ एक दिन प्रॉफिट होता है, लेकिन एक ही दिन उनकी पूरी इन्वेंट्री निकल जाती है, समझ रहे हैं, तो ये उन लोगों के लिए होती है। अब यहाँ पे देखें कैंपेन नेम आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पे आप इस कैंपेन का नाम दे दें, नाम क्या मैं आपको बोलूंगा सजेस्ट करने के लिए, जो आप प्रोडक्ट लगा रहे उस प्रोडक्ट का नाम लिख दें, ताकि अगर आपने 8-10 कैंपेन्स लगाई है तो आप सेग्रीगेट कर सकें कि जी ये हेडफोन की थी, ये माउस की थी और ये कीबोर्ड की थी, जब आप डैशबोर्ड पे जाएं अमेज़न एड्स के डैशबोर्ड पे तो आपको पता चले कि हाँ ये मैंने माउस की लगाई थी, ये वाली कीबोर्ड की थी, तो यहाँ पे आप नाम देने, जैसे मैंने की किसकी लगाई है, ये है ग्लासेस, ठीक है, बेटर वर्ल्ड एंटी ब्लू लाइट, तो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे पीसी ग्लासेस, तो जस्ट फॉर माय रेफरेंस ताकि मुझे याद रहे, ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ख्याल रखना बहुत जरूरी है,
अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी ये कैंपेन जब तक आपका अकाउंट मिला हुआ चलती रहेगी और आपके पैसे सारे जो जो सेल आती जाएगी यहाँ जाते जाएंगे। जब एट द एंड या 15 या 20 या 30 की जब आपकी पेमेंट आएगी बैंक अकाउंट में तो आप देखेंगे जी मेरी सेल तो 2000 की वजह से 1000 दिरहम क्यों आ रहे हैं, बाकी कहाँ चले गए। तो वो अगर आपने यहाँ पे एंड डेट नहीं डाली होगी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट बताया था कैंपेन का मतलब क्या होता है, कैंपेन एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होती है, उसका एक टाइम लाइन होता है कि जी फर्स्ट से स्टार्ट हुई 7 को खत्म हो जाएगी या 10 को खत्म हो जाएगी, या फर्स्ट को स्टार्ट हो रही है मैंने एंड डेट दी नहीं चलती रही। तो यहाँ पे अगर आप एंड डेट नहीं देंगे, यहाँ बाय डिफॉल्ट स्टार्ट डेट लिखी हुई आती है, जो करंट डेट होती है वो ऑटोमेटिकली यहाँ लिखी हुई आती है, स्टार्ट डेट एंड डेट आपको देनी होती है। अब आपकी स्ट्रेटेजी कि आप कितने दिन के लिए कैंपेन रन करना चाह रहे हैं, ठीक है। रिकमेंडेड है 7 days, अमेजोन बोलता है कि 14 के लिए चलाइए आप, लेकिन आप लोग अभी न्यू स्टार्टर्स हैं, 7 days चलाएं देखिए कैसा रिस्पॉन्स है, ताकि आपको ज्यादा फील ना हो। होता है वही जो मैंने बोला ब्लीडिंग, अगेन ये जो ये वाली ब्लीडिंग जो है ये आपकी अपनी ब्लीडिंग नहीं है, ये अमेजोन से ही आप कमा के उनको दे रहे हैं। जब ऑर्डर आ रहा है आपके पास, आपके पास पैसे नहीं है लेकिन कैंपेन चल रही है आपकी, ठीक है, जब आप कैंपेन लगाएंगे, नया अकाउंट है, कोई पैसा नहीं है आपके पास, अमेजोन इतने बोलेगा भाई पहले पैसे दो कैंपेन लगाने के लिए, कैंपेन रन हो जाएगी आपकी। जैसे ही कोई सेल होगी तो जो कैंपेन में आपके पैसे लगे होंगे उसमें से वो निकाल लेगा, तो आपकी जेब से कुछ जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो स्टार्ट द कैंपेन, एंड डेट दे यहाँ पे 7 days की, मैं एंड डेट देता हूँ 2023 आ रहा है, 2-3 बार हो चुका है ऐसा, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो नेक्स्ट ईयर का लिखा हुआ होता है जून 2023, तो इसको आप चेंज कर लेंगे, ये गलती ना करें, यहाँ देख लें इसको कैलेंडर को अच्छी तरह से, मुझसे 2-3 बार हो चुकी है गलती है, उसको आप जाएं वापस जाएं और 2022 में ही लेके आए इसको, ठीक है। और मैं चला रहा हूँ 17 days के लिए, 24 तक, 7 दिन के लिए चला रहा हूँ मैं, 17 से 24 तक, फ्रॉम 17 December 2022 अंटिल December 24, 2022। अब आपको देना है बजट। बजट क्या है? डेली का बजट है, हर रोज आपके पास कितने की कैंपेन रन हो, 10 की, 15 की, 20 की, 5 की, ये आपको देना है यहाँ पे, हाँ जी, ठीक है। तो मिनिमम जो है इसमें रिकमेंडेड है 5 से कम नहीं होता, 5 से आपको स्टार्ट लेना है, 10 कर दें, 10 मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, 5 से भी ले सकते हैं आप स्टार्ट, डेली बजट रखें आप 10 और कैंपेन को कर दें आप लॉन्च, आपके यहाँ पे खत्म हो गया पूरा, इसको आप लॉन्च करते हैं, ये आपने कौन सी कैंपेन लॉन्च की है, दैट्स कॉल्ड ऑटोमेटिक, ठीक है। अब 7 days तक इसको सिर्फ मॉनिटर करते रहे, दिमाग पे सवार नहीं करें, देख के घबराए परेशान नहीं होगी यार 10 दिरहम चले गए एक सेल नहीं मिली मुझे, नेक्स्ट जाए देखा 20 दिरहम चले गए, 22 चले गए, 25 हो गए, सेल नहीं आ रही, ये होता है, वो जान नहीं रहे आपके पास से, आपको दिख रहा है, आपको परेशान हो रहे हैं आप खुद से, क्योंकि आपके पास है ही नहीं, पैसे तो नहीं है ना आपके पास, ना आपने अमेजोन को दिए ना अकाउंट में पैसे, वो तो दिखा रहा है कि जितने पैसे आपके मैंने इतनी की कैंपेन चला दी है मैंने आपकी, एक सेल मिलेगी तो उसमें से मैं काट लूंगा, लेकिन वो जो एक सेल मिलेगी अगर उसका आपका प्रॉफिट चला भी जाता है उसके पास, तो फायदा क्या होगा आपको, आपकी लिस्टिंग प्रमोट हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी, ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग ऑर्डर्स। और एक और फायदा भी होगा, बहुत बड़ा फायदा है वो, जो कि पहले अमेजोन स्टार्ट में दिया करता था, अब वो जरा सस्पेंस रखा हुआ उसने, जब भी कोई नया अकाउंट खोलता था तो उसको 150 dirhams का बोनस मिलता था कैंपेन के लिए, कैश नहीं था पहले, मैं ही समझा था कि कैश आ गया तो बैंक में ट्रांसफर कर दूंगा मैं, अमेजोन ने फ्री में दिए, दैट्स नॉट कैश, वो सिर्फ और सिर्फ कैंपेन के लिए एडवर्टाइजमेंट के लिए 150 dirham का वेलकम बोनस देता था आपको, आपको मोटिवेट करने के लिए कि जी आप कैंपेन लगाएं, अभी आप न्यू स्टार्टर्स हैं, वी वॉन्ट टू प्रमोट योर लिस्टिंग, वी आर गिविंग यू एज अ फ्रीबी फॉर 1 month, 1 महीने की टाइमलाइन होती है, इसको 1 महीने में आपको यूज करना होता था। अब उन्होंने क्या किया, उसको खत्म कर दिया, उसकी जगह उन्होंने एक और सरप्राइज दे दिया है, वो सरप्राइज ये क्या है, इस हिडन सरप्राइज कि आपको कैंपेन स्टार्ट करनी है, जब आप कैंपेन स्टार्ट करेंगे थोड़ा अपने अंदर पावर लेके आएंगे, बहादुरी दिखाएंगे आप, तो फिर वो आपकी हेल्प करेगा, वो आपसे पहले बोल रहे हैं बहादुर बने आप, कैंपेन लगाए, उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अगर आपकी कैंपेन अच्छी चल रही है तो 700 dirhams का आपको बोनस मिलेगा। ईमेल में आपके पास ईमेल अपने खोल के रखा करें,
ईमेल आ जाती है आपके पास, यू हैव गिवन 700 dirhams फॉर रनिंग Amazon कैंपेन्स फॉर रनिंग एडवर्टाइजमेंट्स. उसकी भी टाइम लाइन एक महीने की होती है. अब अगेन अगर आपके पास लिस्टिंग ज्यादा नहीं होगी तो 700 dirham आपके लिए कोई फायदा नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कम से कम 50 लिस्टिंग रखें अपने पास, ठीक है. 50 में से 30 या 25 जो है वो रखें आप अपनी लिस्टिंग, 18-20 रखें आप एग्जिस्टिंग लिस्टिंग को जो B2 किया हुआ है आपने, ताकि वहां से आपके प्रमोट होता रहे. साथ में आप एक कैंपेन लगा दें, जब सब चीजें मिल जाएंगी तो आपकी शॉप प्रमोट हो जाएगी, और जब 700 मिलेगा तो फिर आप उसको बूस्ट कर देंगे, ठीक है. वो सुपर बूस्ट मिल जाएगा आपकी शॉप को. दिस इज व्हाट द स्ट्रेटजी एंड प्लान हाउ टू रन अ प्रॉपर बिजनेस ऑन Amazon फ्रॉम जीरो. तो ये है PPC ऑटोमेटिक. अब हम इसके बाद बात करेंगे मैनुअल. मैनुअल कैसे होता है? यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कॉन्ग्रेचुलेशन योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली. किस पे लगाई है आपने वो लिखा हुआ आ गया यहाँ पे. कब से कब तक लगी हुई है, कितने आपने डेली बजट रखा है आपने, टारगेटिंग क्या है, ऑटोमेटिक है, डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली है, ठीक है. उसके बाद उसने आपको दिखा दिया एड ग्रुप नेम, डिफॉल्ट बिड, आपकी कैंपेन लॉन्च है. इसको आप देख सकते हैं कहाँ पे, यहाँ पे आप कैंपेन मैनेजर पे आप क्लिक करेंगे. सो यू कैन सी ऑन द डैशबोर्ड, जैसे कि मेरी पुरानी कैंपेन चल रही है वो आपको देखेगी यहाँ पे. ये इस तरह से पूरा डायनेमिक्स दिखाता है आपको. ये Amazon एड्स का डैशबोर्ड है. इसमें आपको दिखा रहा है कि मैंने कितनी स्पेंडिंग की है, कितनी सेल हुई है, कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस हैं. इंप्रेशंस क्या होते हैं, इतने लोगों ने इस एड को देखा है मेरे अभी 2729 लोगों ने देखा, उसमें से सिर्फ कितने लोगों ने क्लिक किया, 11 लोगों ने, ठीक है. और ये जो अभी रिसेंट कैंपेन लगाई है मैंने, देखे यहाँ आ रही है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डिलीवरिंग स्टेटस, कि ये स्टार्ट हो गई है कैंपेन, आपकी डिलीवर हो रही है. ये स्टार्ट डेट, ये एंड डेट और ये बजट. इससे पहले की जो कैंपेन जो लगी हुई जिसका मैंने आपको डायनेमिक्स दिखाया हुआ, वो क्रिसमस वॉल पे लगी हुई है, 3 दिसंबर से लेके 18 तक लगाई थी मैंने. उसका देखिए बजट मैंने कितना रखा हुआ है, 85, ठीक है. Now I'll show you how to run a campaign manually. Manual campaign हम कैसे लगाते हैं, manual targeting कैसे होती है. फिर हम dashboard पर जाएंगे, continue करेंगे. Ad group name, जिस चीज पे लगानी है उसको add करते हैं. यहाँ पे baseball bat पे लगा रहा हूँ मैं, ठीक है. इसको स्क्रॉल डाउन किया मैंने, अब मैंने क्लिक कर दिया मैनुअल टारगेटिंग पे. चूज कीवर्ड्स और प्रोडक्ट्स टू टारगेट शॉपर सर्चेस एंड सेट कस्टम बिड्स. इसको कीवर्ड टारगेटिंग पे रहने या प्रोडक्ट टारगेटिंग पे ले आए, आपकी मर्जी है. चूज कीवर्ड्स टू हेल्प योर प्रोडक्ट्स अपीयर इन शॉपर सर्चेस. प्रोडक्ट टारगेटिंग में क्या होगा, चूज स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स कैटेगरीज ब्रांड्स और अदर प्रोडक्ट फीचर्स टू टारगेट योर एड्स. इट्स बेटर टू स्टार्ट विद कीवर्ड टारगेटिंग. यहाँ पे इन्होंने आपको कीवर्ड्स टारगेटिंग में, जैसा कि मैंने ये लगाया है बेसबॉल का बैट, तो उसके हिसाब से ही ऑटोमेटिकली इसने वो तमाम कीवर्ड्स दिखा दिए जो कि इसमें होते हैं. इसको आप स्क्रॉल डाउन करते रहे, बहुत सारे कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे. हर कीवर्ड के सामने देखें इसकी प्राइस लिखी जा रही है, जिसके सामने नहीं लिखी हुई इसका मतलब है कि ये कीवर्ड आज तक किसी ने लगाया ही नहीं है, ठीक है. तो अगर आप स्टार्ट करेंगे तो इसकी भी प्राइस आ जाएगी, डिपेंडिंग ऑन कि इस पे क्लिक अगर आता है तो. जो ये ऑलरेडी इस पे प्राइसिंग आई हुई है, ये वो तमाम वो वाले कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर सेल हुई नहीं है, लोगों ने यूज किया है उसके बाद उस पे सेल मिली है, उसके अकॉर्डिंगली उस पे उन्होंने उसकी प्राइसिंग की हुई है. जो कीवर्ड सबसे ज्यादा चला होता है वो सबसे ज्यादा महंगा होता है, ठीक है. जो सबसे महंगा कीवर्ड होगा इसका मतलब क्या है कि उस कीवर्ड पे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी प्राइस ज्यादा है. ये सारे कीवर्ड्स देख लिए हमने, इसमें सबसे ज्यादा जो मुझे नजर आया वो 2.84 के देता है. सो लाइक जो 2.84 है इट्स द बेस्ट कीवर्ड. जैसे ये सिर्फ बैट लिखा हुआ है इसमें, क्रिकेट बैट फॉर मैन, जबकि क्रिकेट बैट है भी नहीं है, बट स्टिल पीपल आर सर्चिंग और लेते ये चीजें. तो मतलब ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है
जो अमेजोन दिखा रहा होता है आपको, किसी और चीज को सिलेक्ट करके चेक कर लेते हैं, जैसे इसको मैश बॉल्स है ये, इसको ऐड कर लेते हैं। नाउ वी विल सी इसके अकॉर्डिंगली आपको कीवर्ड सिखाएगा। ये देखें, टॉय बॉय, टॉय गर्ल, स्ट्रेस बॉल, स्क्विशी टॉय, सेंसरी टॉय, हर कीवर्ड के देखिए सब सामने इसके प्राइसेस लिखे आ रहे हैं। देखिए इसमें तमाम कीवर्ड्स के ऊपर प्राइसेस लिखे हुए, दिस मींस के ये सारे कीवर्ड्स के यूज हुए हैं। तो इसमें से अब आप कोई से भी कीवर्ड्स ले सकते हैं। अब इसमें एक चीज समझने वाली है, वो जो मैच टाइप, ये मैच टाइप क्या होती है, ब्रॉड, फ्रेज, एग्जैक्ट, इसको समझाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ। एंड आई विल टेल यू हाउ टू अंडरस्टैंड द ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट थिंग्स। Let's have a look. Optimizing your Amazon advertising campaigns to help you manage your return on ad spend, or ROAS, is a key way to help meet your business goals. In this video, we'll discuss what ROAS is, how to determine your target level, and optimization strategies to better manage ROAS for your sponsored product campaigns. Many of these strategies can also apply to your sponsored brand's campaigns. ROAS helps you quickly measure and gauge the effectiveness of your campaigns relative to your advertising spend. ROAS can be analyzed at the campaign or keyword level for optimization purposes, or can be rolled up against all your ad spend to understand the impact to your business. To calculate ROAS, divide your total sales from advertising by your total advertising spend. ROAS is the opposite of advertising cost of sales, or ACOS, so a higher ROAS level is better. While target ROAS varies for each advertiser depending on their particular goals, we generally find that advertisers... Yeah, Barbara, so no get ROAS, ROAS, what is ROAS? Return on advertising spend. Jo aap advertising mein paisa laga rahe hain, usme kitna return ho raha hai aapko, theek hai? Target a ROAS value above 1. Let's look at several ways you can manage ROAS to help meet your business goals. For sponsored products, you can take advantage of dynamic bidding to let Amazon automatically optimize your bids in real time based on the likelihood of conversion. Dynamic bidding is a campaign optimization setting designed to help improve your performance automatically. Every time your sponsored product's ad is eligible to appear, Amazon predicts the likelihood of that click converting. When a conversion is likely, Amazon may increase your bid up to 100% to help you win the impression and show your product to the customer. And when the likelihood of a conversion is low, Amazon may decrease your bid up to 100%. To enable this feature, when creating or editing your campaign, select Dynamic Bids up and down under Campaign Bidding Strategy. You can also manage ROAS for each keyword in your campaign by adjusting the match type between broad, phrase, and exact match to help you control the amount of traffic exposure your ad receives. Remember, with broad match, your ad will appear when someone searches for your keyword in any order, including close variants of your keyword. With phrase match, the customer search term must contain the exact phrase or sequence of words in your keyword, but may include other words or variations. With exact match, the search term must match the keyword exactly for the ad to show, and will also match close variations of the exact term, such as plurals. For keywords... यहाँ पे देखें आप, ये broad, phrase और exact, वो समझ में आया आप लोगों के? ये एक example दिए है, आपका keyword था wireless speaker, ठीक है? और broad में क्या हुआ? Targeted keywords are in no particular order. इसमें लाजमी नहीं है कि जब कस्टमर, ये वो है जो कस्टमर टाइप कर रहा है, अगर वो टाइप करता है वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर, तो ब्रॉड मैच में ही चला जाएगा और क्लिक करता है आपके ऐड पे, तो पैसे कट जाएंगे आपके, अगर आपने ब्रॉड वाला कीवर्ड लिया हुआ है। सेकेंड क्या किया इन्होंने, फ्रेज मैच, टारगेटेड कीवर्ड्स आर इन देयर एग्जैक्ट ऑर्डर्स, इंक्लूड्स एडिशनल कीवर्ड्स बिफोर एंड आफ्टर प्लूरल्स एंड कॉमन मिसस्पेलिंग्स। एक साथ लिखा हुआ आ रहा है लेकिन एक फ्रेज में आ रहा है। यहां पर एग्जाम्पल दी है वायरलेस के बीच में क्या आ गया, रेड, तो इस सूरत में आपके पैसे नहीं कटेंगे, वो सूरत में आपके पास नहीं आएगा क्लिक।
लेकिन अगर इस तरह टाइप कर रहा है कि कस्टमर ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर एंड वायरलेस स्पीकर कॉम्पैक्ट और क्लिक करता है तो क्या होगा, पैसे आपके कटेंगे. तो दिस इज कॉल्ड फ्रेज मैच, इसको हम फ्रेज मैच बोलते हैं. इसके लास्ट में क्या है, एग्जैक्ट मैच. एग्जैक्ट मैच क्या है, समझ में आ रहा होगा आपको, एग्जैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट वैसे ही होना चाहिए जैसा कि आपने कीवर्ड दिया है. सेम अगर वो टाइप करेगा तभी पैसे कटेंगे, अदरवाइज नहीं कटेंगे आपके. ठीक है, ये क्लियर है आपको, ब्रॉड फ्रेज एंड एग्जैक्ट मैच. ये है वो स्ट्रेटजी जो कि हमें बनानी है जब हम मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग कर रहे होते हैं. जो मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग मैंने आपको भी दिखाई जो हम कर रहे थे यहाँ पे, इस मैनुअल कीवर्ड टारगेटिंग में ये मैच टाइप जो आपको दिखा रहा है वो यही है, ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट मैच. ठीक है, तो ये इसके हिसाब से आपको समझ के जो आपके समझ में आ रही है, जो ठीक लग रही है, उसके हिसाब से आप वो वाला कीवर्ड ले लें जैसा कि आप चाहते हैं इसको ले जाना. अकॉर्डिंगली इसके हिसाब से आप समझ के कीवर्ड आप सिलेक्ट कर लें. ब्रॉड में लेना है ब्रॉड में ले लें, फ्रेज में लेना है फ्रेज में, एग्जैक्ट में. माय रिकमेंडेशन इज एग्जैक्ट मैच, अगेन माय रिकमेंडेशन, आपकी मर्जी है. बाकी में भी लेना, एड तो हर सूरत में दिखाएगा. आप कीवर्ड ना भी लगाएं तब भी एड दिखाएगा आपका, क्लिक्स नहीं आएंगे आपके. तो कीवर्ड आप एक भी लगा दें तब भी एड दिखाएगा आपका. ये स्ट्रेटजी है, हाउ टू स्ट्रेटजाइज थिंग्स, किस तरह से स्ट्रेटजी आप बना रहे हैं, इसको आप चेंज करते रहे, ट्राई करें. आप ब्रॉड पर लगाए, नहीं आ रही सेल, रोक के एग्जैक्ट पर लगा दें. फिर वाला कीवर्ड नहीं चल रहा, जो चल रहा है उसको आप साइड में कर लें, ये सबसे बेस्ट कीवर्ड है. जो नहीं चल रहा उसको निकालते जाएं. ठीक है, कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं. यस, एक भी यूज कर सकते हैं. एग्जैक्टली, यू आर राइट. तो सबसे बेस्ट कीवर्ड आप ले लें एक, आपको इतना कॉन्फिडेंस है, आपकी लिस्टिंग इतनी अच्छी है, आपके प्राइस भी अच्छे हैं, आपको पता है मार्केट में कंपीट कर सकता हूँ, चीज भी सेम है आपके पास, एक कीवर्ड लगाए सेल आएगी आपके पास. फिर कस्टमर कॉमेंट कर देगा उस पर, अगर रेटिंग दे देगा तो फिर आपको कैंपेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, फिर ऑटोमेटिकली वो चलना शुरू हो जाएगी. तो ये स्टार्टअप अपने आप को स्ट्रैटेजी बना के किस तरह से एनहांस करना है, ऊपर कैसे लेके आना है, उसकी स्ट्रैटेजी है सारी. ठीक है, आप चेंज करते रहे. अभी आप देखिए वीडियो में आगे दिखाएगा भी आपको ये चीज. Terms such as plurals. For keywords with low ROAS that are not meeting your business goals, try changing the match types to phrase and exact match rather than broad in order to drive lower volumes but higher relevant traffic. You can also add negative keywords to your manual sponsored product campaign to minimize irrelevant traffic to your ads. Download your targeting report in your advertising console under. ये आपको advertising reports मिलती हैं जो आप download करते हैं. वो किस लिए करते हैं आप? 7 days तक campaign चलाने के बाद आपके पास एक report generate हो जाती है जो कि automatically Amazon का system generate करता है. उससे क्या help मिलती है आपको? जो best keywords होते हैं वो मिल जाते हैं आपको. कौन से best keywords? जिसपे sale हुई है. उन keywords को आप निकालें और manual पे लगा दें. This is how you just extract the best keywords without purchasing from anywhere else. जो लोग करते हैं जी बता दें कहाँ से अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएंगे, मैं क्या करूँ, मैं वेबसाइट पे गया पैसे ले लिए सेल नहीं मिल रही, वो इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी. इसको इस्तेमाल करें, ऑटोमेटिक को चलाएं, पैसा भी आपको लग नहीं रहा है, दिख रहा है कि जा रहा है पैसा, लेकिन वो नहीं जा रहा, वो सेल से आपके पास से जा रहा है. उससे बेस्ट कीवर्ड्स निकालें, मैनुअल टारगेटिंग में लगाएं और उसके बाद फिर आप पेन कैंपेन चलाएं. इसको यहां से आप जब रिपोर्ट जनरेट करेंगे तो इसमें आपको वो तमाम टॉप कीवर्ड्स मिल जाएंगे जिस पे आपकी सेल हो रही है. Your advertising reports. Sort the file by the targeting column and look for keywords with high clicks but low sales to identify which are spending your budget inefficiently without generating significant sales. ठीक है, ये वो है जो कि अच्छे नहीं है, उनको आपने उठा के नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में डाल दिया. Amazon की गाड़ी आ गई है, किसी के अगर ऑर्डर्स हैं तो प्लीज जाके दे आए. थैंक यू. चले, सो नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग जो मैंने बीच में स्किप किया था वो यही था कि जो कीवर्ड्स जिनके ऊपर आपका लॉस हो रहा है, लोग क्लिक कर रहे हैं लेकिन ले नहीं रहे, उनको आप उठा के नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग में ऐड कर दें. तो नेक्स्ट टाइम जब उस पर क्लिक करेगा तो पैसे नहीं कटेंगे आपके. ठीक है, In your sponsored products campaigns, add these keywords as negative exact matches to ensure your ad is not triggered when a customer search. ठीक है, your ad will not trigger when customer search these keywords. इसमें आप ऐड कर दें नेगेटिव कीवर्ड्स, ये लिखा आ रहा है, ऐड नेगेटिव कीवर्ड्स.
just using these keywords. Reevaluate your negative match types every 1 to 3 months to keep up with shifts in search trends over time. Next, raise your bids on high-performing keywords to help maximize your impressions. Increase your bids on high-performing keywords. अपनी bid को बढ़ाएं. ठीक है? जब आपके पास traffic ज़्यादा आ रहा है और sale मिल रही है, तो bid को फिर कम ना रखें. बिट कम रखेंगे तो आपको नुकसान होगा, बिकॉज आपको सेल मिल रही है, आप बिट कम रखी हुई आके रुक जाती है वहां पे, उसके बाद होती नहीं है. उसको बढ़ा देंगे तो क्या होगा, अगर 10 सेल मिले तो 15-20 मिलना शुरू हो जाएगी आपको, और थोड़े से पैसे आपके बिट से जाएंगे बस. Sort your targeting report by total sales from highest to lowest to identify your high performing keywords. If these keywords have generated ROAS that meet your business goals, consider raising your bids. Since you'll never pay more than you bid, you can increase your chances of winning more impressions without exceeding your budget. Continue monitoring the performance of these keywords to ensure ROAS remains within your target level. Then identify underperforming keywords with low ROAS in your campaigns. These keywords are causing your budgets to be spent inefficiently without generating significant sales. So you can consider lowering these bids or pausing these keywords. To identify low ROAS keywords, download your targeting report for your campaigns at least once every 2 weeks. Sort the file by ROAS from lowest to highest. Review your average cost per click or CPC column in your report for the keywords with low ROAS and lower your bids just below the average CPC. This drops the maximum amount you will pay for a click. Remember, when a shopper searches on Amazon, Amazon advertising runs a real-time auction to decide which ad will appear and in which placement on the page. So you can still drive traffic with these keywords even at lower bids while also reaching your ROAS goal. If lowering your bids is not improving your ROAS on low-performing keywords, consider pausing these keywords if they are. जो keywords सही perform नहीं कर रहे, उनको जाके आप इस तरह से pause कर दें. Aren't a high priority for your campaign. Finally, leverage sponsored product campaigns with automatic targeting to harvest new search terms that are leading to sales. Sponsored product campaigns with automatic targeting are a powerful tool for identifying new keywords and learning what search terms customers are using to find your products. Let your automatic targeting campaigns run for at least 2 weeks before downloading your search term report. Sort by ROAS from highest to lowest, and look for search terms with high impressions and high conversions that also meet your ROAS goals. In a new manual sponsored products campaign, select keyword targeting under the targeting options. Then use the search terms you've identified and add them as phrase match keywords. Continue monitoring these keywords and modify your bids based on their performance. You're now ready to optimize your campaigns to help manage your ROAS. For more tips on optimizing your Amazon advertising campaigns, visit the advertising console. ठीक है, ये I hope के समझ में आ गया आपको कि advertisement की पूरी एक वीडियो थी जो हमने आज सीखा है कि advertise कैसे लगाते हैं, अपनी कैंपेन कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे करते हैं. ठीक है, अब इसकी आपको करनी है प्रैक्टिस बगैर डर खौफ के कि पैसा जा रहा है आपके पास से, कुछ नहीं जा रहा पैसा. लिस्टिंग जो आपने नई क्रिएट की है, बाय बॉक्स इस तरह भी ले सकते हैं आप. अगर आपकी लिस्टिंग जो फर्स्ट जैसे बता रहा हूँ उन तमाम स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है जो मैंने बताए हैं, जो अमेजोन बोलता है, पता है ना सबको न्यू लिस्टिंग के लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं अच्छी लिस्टिंग बनाने के लिए. और मजीद मैं उसके बारे में एक पीपीटी बनाई हुई है, वो भी दिखा दूंगा आपको कि अच्छी लिस्टिंग, मजबूत, सबसे बेस्ट लिस्टिंग किस तरह बनती है. बता चुका हूँ, पीपीटी की शक्ल में दिखा दूंगा मैं आपको ट्यूसडे को इंशाल्लाह. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको खत्म करते हैं और ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई थी. यहाँ पे आपको बस ये सिलेक्ट करना है यहाँ से कीवर्ड्स, जो आपको कीवर्ड अच्छा लग रहा है. जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा कीवर्ड. उसके बाद आप यहाँ पे वही सेम डायनेमिक बिडिंग या अप एंड डाउन लें, कैंपेन का नाम दें, स्टार्ट एंड डेट दें, बजट रखें और लॉन्च कर दें, तो ये आपकी हो जाएगी मैनुअल कीवर्ड. ठीक है, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी.